अरे आओ तो सही, बताता हूँ, बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करनी है तुमसे। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि तुमसे ये बात कहूँ। ये जो काउच है ना, जब से मैं इधर आया ना मेरी आंखों को बहुत खटकता है यार। यहाँ बड़ा बड़ा धूल खा रहा है, ये स्पेस वेस्ट कर रहा है। एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया मेरे पास स्पेस को यूटिलाइज करने का। हम ना इस काउच को डिस्कार्ड कर देते हैं एंड विल मेक अ नाइस ब्यूटिफुल बार हियर विद अ नाइस काउंटर टॉप, ब्यूटीफुल बार स्टूल्स। और हमारा जो एक्सोटिक अल्कोहल का कलेक्शन है ना, वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। जब हमारे फ्रेंड्स आएंगे तो कितना इंप्रेसिव लगेगा ना। और हम लोग बहुत ही बढ़िया लाइट्स लगाएंगे, छोटे छोटे मिरर्स लगाएंगे। द होल बार वुड बी नाइसली बैकलेट। कितना मज़ा आएगा ना। और जब हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत ही प्यारे प्यारे से आर्टिफैक्ट्स लेकर आएंगे, यहाँ पर डेकोरेट करेंगे। मज़ा आ जाएगा यार। एंड जस्ट इमेजिन, यहाँ शाम का वक्त है, नीला आसमान है, बारिश हो रही है और हम अपने बार स्टूल्स पे बैठकर वी आर सिपिंग अ ग्लास ऑफ वाइन, बियर पी रहे हैं। इजंट इट रोमांटिक? व्हाट डू यू थिंक? नाइस, इट्स अ नाइस आइडिया, बट आई थिंक वी शुड डिस्कस इट फर्स्ट। या ऑफ कोर्स, हम डिस्कशन ही तो कर रहे हैं। बोलो ना, आओ, कम कम। अब बता, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमें बार की जरूरत है? अरे अभी बताया तो, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने तुम्हें। हाँ, पर वो तो तुम्हारी सरफेस लेवल की एक्साइटमेंट है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। आई वॉन्ट टू नो योर डीप रूटेड नेसेसिटी। ओके, लिसन केयरफुली। वी हैव सच अ ब्यूटीफुल हाउस, इतना स्पेशियस हॉल है। हमारे घर पे गेट टुगेदर्स भी होते रहते हैं, फ्रेंड्स आते हैं हमारे घर पर। तो यार इस डाइनिंग टेबल पर बार सेटअप करना ना अच्छा नहीं लगता। इट लुक्स टैकी। वहाँ पर एक क्लासी सा बार होगा, इट विल लुक प्रोफेशनल। अरे पर हमें प्रोफेशनल दिखने की जरूरत ही क्या है? As you rightly said, it's such a beautiful house. ये कोई लाउंज या रेस्टोरेंट थोड़ी ना है कि हमें बार की जरूरत है। और जरा सोचो, अगर तुम्हारा एग्जॉटिक अल्कोहल का कलेक्शन ऐसे डिस्प्ले पर रख दोगे तो किसी को कंज्यूम करने से रोक नहीं पाओगे। जिसे जो मन करेगा उठाकर पी लेगा। इनफैक्ट इट्स बेटर दिस वे सो दैट तुम जिसे जो पिलाना चाहते हो वो अपने हिसाब से पिला सकते हो, कबर्ड से निकाल के। लेकिन यार जब डिनर सर्व करते हैं ना तो पूरा बार उठा के किचन में शिफ्ट करना पड़ता है। फिर मुझे बार बार किचन में जाकर ड्रिंक बनानी पड़ती है। इट्स सो इनकन्वीनियंट। बट इनकन्वीनियंस इज बेटर देन एडिक्शन। व्हाट? घर में इतना बड़ा बार होगा तो इंसान का बार बार पीने का मन तो करेगा ना। पहले रात को, फिर शाम को, फिर दोपहर और फिर सुबह। ऐसे ही शुरुआत होती है अल्कोहलिज्म की। और मैं नहीं चाहती हूँ कि एक बार की वजह से हमारी जिंदगी में फ्यूचर में और कॉम्प्लिकेशंस आए। अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है। हमारे घर में बाथरूम है तो क्या हम 24 घंटे नहाते रहते हैं? किचन है तो हम 24 घंटे खाते रहते हैं? अरे वी विल ऑफ कोर्स हैव अ बैलेंस, वी विल मेंटेन सम डिसिप्लिन इन लाइफ। यू नो इट्स फनी, जब तुमने मेंशन किया ना कि वो कॉर्नर को यूज नहीं करता, इनफैक्ट दैट्स माई फेवरेट कॉर्नर इन द होल हाउस। तुम जब घर पे नहीं होते हो ना तो मैं सबसे ज़्यादा वहीं पर बैठती हूँ, अपनी बुक और अपनी चाय लेकर रिलैक्स करती हूँ वहाँ पर। और तुमने जैसे ही कहा ना कि वहाँ पर तुम बार बनाओगे तो आई गॉट रियली स्ट्रेस्ड, क्योंकि फिर अगर वो चला जाएगा तो मैं कहाँ बैठूँगी? बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट तुम सही डिसीजन लो। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सही डिसीजन ही लोगे, बिकॉज यू आर अ वाइज, सेंसिबल एंड अ मैच्योर मैन। एक्चुअली यू आर राइट, हमें बार की कुछ ख़ास ज़रूरत है नहीं। इतने सालों से हमारा काम चल ही रहा है बिना बार के, तो मैं आगे भी मैनेज कर ही लूँ। एग्जैक्टली, मिल गई ना क्लैरिटी? गुड वी हैड दिस डिस्कशन। या कितना ट्रैफिक हो गया है यार। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक। और ये हाल तो कर्फ्यू में। ऐसे में इंसान गाड़ी लेकर निकले तो बस फंस गया, 2 घंटे बर्बाद। पर इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। मुझे ना एक इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदनी चाहिए। इलेक्ट्रिक साइकिल? या नाइस, पर पहले एक बार डिस्कशन कर ले। और मैं जानती हूँ कि तुम सही डिसीजन ही लोगे, बिकॉज यू आर अ सेंसिबल, वाइज एंड अ मैच्योर मैन। या आई थिंक यू आर राइट। मुझे इलेक्ट्रिक साइकिल की कुछ ख़ास ज़रूरत है नहीं। वैसे अभी तक भी ज़िंदगी इलेक्ट्रिक साइकिल के बिना चली रही है, तो आगे भी गुजर जाएगी। I'll manage. See? मिल गई ना क्लैरिटी? I'm glad we had this discussion. यार ये डिस्कशन तो फंसने वाली बात है। जहाँ आपने अपनी बीवी के साथ डिस्कशन शुरू किया, आपकी हार निश्चित है। अब डिस्कशन करना ही नहीं है, सीधा डिसीजन लेना है। अरे हम लोग घर के बाहर भी तो इतने डिसीजंस लेते ही है ना, बिना डिस्कस किए। तो घर के अंदर नहीं ले सकते क्या? अरे अरविंद कहाँ है तू यार? इतनी देर से वेट कर रहा हूँ तेरा। कहाँ फंस गया तू? अरे जल्दी से आया यार, सारे मेजरमेंट्स लेकर जा। तुझे मैं आज ही सामान दिलवा देता हूँ, मुझे 2 दिन में सब कुछ रेडी चाहिए। हाँ जल्दी आ तू। ओके बाय। किसे बुला रहे हो, किसे क्या दिलवा रहे हो? अरे अपना कारपेंटर है ना अरविंद, उससे बात कर रहा था। क्यों? अरे मैंने डिसाइड किया है कि इस जगह से ये काउच को हटाकर आई विल मेक अ नाइस बार हियर। डिसाइड कर लिया? हाँ। अच्छा ऑफ कोर्स ये घर तो सिर्फ तुम्हारा है, तो डिसाइड भी सिर्फ तुम ही करोगे ना, राइट? इसमें मेरे ओपिनियन की क्या जरूरत है? हाँ मैं तो एक औरत हूँ, मुझे तो कोई समझ है ही नहीं, मैं तो एकदम बेवकूफ हूँ। आई एम डम्ब। यू आर द मैन ऑफ द हाउस, तो तुम ही डिसाइड करोगे ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की तो कोई अहमियत है ही नहीं, राइट? डिसाइड कर लिया, गुड। सो टिपिकल। अरे नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मुझे लगा इतनी छोटी सी बात के लिए मैं तुम्हें क्या बेवजह परेशान करूंगा। बाकी की सिचुएशंस में भी ना ये ऐसी कोई इमोशनल कार्ड प्ले करके मुझे मेरा डिसीजन चेंज करने पर मजबूर कर देगी। दिस विल क्लियरली नेवर वर्क कि बस डिसीजन ले लिया और बात खत्म हो गई। कुछ और ट्राई करता हूँ। यू नो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने सामने से डिस्कशन इनिशिएट किया है, एंड आई एम ऑलवेज अप फॉर अ हेल्दी डिस्कशन, क्योंकि एक हेल्दी डिस्कशन ही एक हेल्दी रिलेशनशिप की नींव होती है। सो इलेक्ट्रिक साइकिल क्या है? ये इलेक्ट्रिक साइकिल इट्स जस्ट अनदर फैंसी गैजेट जो आएगा, जोश जोश में तुम कुछ दिन यूज करोगे, फिर पड़ा रहेगा किसी कोने में जंग खाते हुए, जस्ट लाइक योर अदर फैंसी गैजेट्स। और कोई सस्ती चीज तो है नहीं, 2-4 हज़ार की सड़ गई, निकाल दिया, भूल गए और फर्क नहीं पड़ा। तुम्ही ने कहा ना एक अच्छी सी इलेक्ट्रिक साइकिल आएगी 75,000 लाख रुपए की। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम इतनी मेहनत करते हो, कमा रहे हो, डिजर्व करते हो। शौक है तुम्हारा, उन्हें अभी नहीं पूरा करोगे तो कब करोगे? लेकिन शौक पूरे करना एक बात है, लेकिन ऐसे फिजूल खर्च करना फिजूल ही है। वैसे देखा जाए तो पूरी तरह फिजूल नहीं है, फायदे तो है इसके काफी। देखो ना कितना ट्रैफिक है हमारे शहर में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई बार घंटों लग जाते हैं। हर जगह खोद रखा है, कहीं ना कहीं मेट्रो का काम चल रहा है, ब्रिज का काम चल रहा है, पार्किंग की हमेशा इशू रहती है शहर में। काफ़ी इशू सॉल्व हो जाएंगे इससे, टाइम बचेगा, फ्यूल बचेगा, एनर्जी बचेगी, पैसे बचेंगे और एक्सरसाइज भी हो ही जाएगी। और जब जब तुम यूज़ नहीं करोगे तब तक मैं भी तो यूज़ कर सकती हूँ। आई कैन गो टू द सुपरमार्केट, मैं सैलॉन जा सकती हूँ, अपनी क्लाइंट मीटिंग्स के लिए जा सकती हूँ। इट्स अ गुड आइडिया। नो एक्चुअली इट्स अ ग्रेट आइडिया। आई थिंक यू शुड गेट एन इलेक्ट्रिक साइकिल। सी मिल गई ना क्लैरिटी। आई एम सो ग्लैड वी हैड दिस डिस्कशन। यार मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये वर्क करेगा, लेकिन कर गया। सो बेसिकली डिस्कशन करो, लेकिन वकील की तरह नहीं, जज की तरह, क्योंकि वकील सिर्फ दलील देता है पर जज फैसला सुनाता है। सो जज बनो। हाय गाइस, hope you liked the episode today, and if you did, you know what to do. Like, share and subscribe to Shitty Ideas Trending on YouTube. Yes, और इस एपिसोड का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन ये है कि कितनी बार हमने इस एपिसोड में डिस्कशन वर्ड को इस्तेमाल किया है, यूज किया है। बताओ कैसे बोलते हैं डिस्कशन? डिस्कशन। डिस्कशन। डिस्कशन नहीं, इट्स डिस्कशन। डिस्कशन। It's not discussion. अच्छा ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि कितनी बार हमने डिस्कशन बोला है, इंक्लूडिंग ऑल दीज डिस्कशंस एंड डिस्कशंस। ओह इट्स गोना बी वेरी कंफ्यूजिंग। तो लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड वी शैल सी यू विद येट अनदर अमेजिंग प्यार का पंच एपिसोड। सी यू। अभी तू छोड़, मुझे कंफ्यूज मत कर। कहाँ से हमको रिज्यूम करना था? बैकलाइट प्रॉब्लम था ना वो, बड़ा ऐसा सेंसुअल मसाज तो नहीं देने वाली है। अभी तक तो मैं खुश हूँ ना, अभी तक तो मैं नॉर्मल हो गया, मतलब नॉर्मल हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कर क्या रही है, ऐसा है ना। Let's have a discussion first. पहले एक बार डिस्कस कर ले, तो पहले एक बार डिस्कशन कर ले। तीन ले लिए भाई, अब इसमें से जे जो लगाना लगा। डिस्कशन बोलेगी तो मेरे को भी डिस्कशन। मैं डिस्कस ले रही हूँ ना। डिस्कशन। It's discussion. मैं क्या बोल रहा हूँ? डिस्कशन ही तो बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं होगा, गुस्सा नहीं। Bye. 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 Bye.